हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बिहार आईटीआई का जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है उसका काउंसलिंग के बारे में बताएंगे कि कितने पे लेगा और कौन कॉलेज में कितना सीट है। ठीक है, तो जिस कॉलेज यानी इस रैंक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज देता है, तो मैं आपको एक कौन कॉलेज में कितना सीट है इसका लिस्ट दिखाता हूँ। उस हिसाब से आप लोग को अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना रैंक रहेगा, तो कौन सा ट्रेड और कौन सा कॉलेज में एडमिशन होगा। तो चलिए मैं आप लोग को उस पीडीएफ की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए, ये सारा कॉलेज का ये है, कौन कॉलेज में कितना सीट है। तो ये पटना का है, इसी हिसाब से सारा कॉलेज का है। देखिए आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, मैं इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आप लोग का जो यूआर रैंक होगा यानी अनरिजर्व रैंक, ठीक है, उसके बाद कैटेगोरी होगा ओबीसी हो या बीसी हो, इस सारा का रैंक अलग अलग रहेगा। तो जी मान लीजिए अनरिजर्व इसमें कितना है, ये जो कॉलेज है इसमें मान लीजिए अनरिजर्व सीट 240 है, ठीक है। तो और उसके बाद ओबीसी का है 76, और इसी टाइप से सारा का रैंक दिया है, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व में आते हैं और आपका रैंक 240 है, तो 100% है कि आपका एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है, ओबीसी में आते हैं और ओबीसी का सीट कितना है, 76 है, और आपको अगर अच्छा रैंक है यानी 76 से नीचे है, यानी 76 भी है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा आपका कैटेगोरी में। तो इसी टाइप से सारा कॉलेज का है, आप लोग अपना मिला लीजिएगा, देखिएगा कौन कितना है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के वीडियो से अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये सारा डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट सब का दिया हुआ है, आप लोग अपना देख लीजिएगा आराम से। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो। अगर वीडियो